हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसी की रसोई वाई ऐसी का। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर का निमोना। तो मटर का निमोना बनाने के लिए मैंने मटर को लिया है, ये फ्रेश मटर है, इसको मैंने छील के धो के रख लिया है। ये लिए हैं मैंने कुछ मसाले, लहसुन है, अदरक है, प्याज है और टमाटर। इन सबको अलग अलग करके पीस लेंगे। लहसुन और प्याज को एक में पीस लेंगे और अदरक को हम बारीक काट लेंगे और टमाटर को पीस के कर लेंगे। और ये लिया है मैंने दो आलू, इसको रफली काट लिया है। तो चलिए सबसे पहले मटर और आलू को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने ये टमाटर को पीस लिया है और ये मटर है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। ये आलू बॉईल कर लिए हैं, आप देख सकते हैं आलू बॉईल हो चुके हैं। और ये है लहसुन और प्याज, इसको भी पीस लिया है मैंने। और ये ली थी मैंने 2 इंच अदरक, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम मटर को हल्का हल्का मैश कर लेंगे और आलू के छोटे छोटे पीस कर देंगे। आलू को आप चाहे तो हाथ से तोड़ के भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बॉयल हो चुके हैं तो इनको टूटने में आसानी होगी। ये अच्छे से मिक्स करना चाहें आप तो तोड़ के इसको मिक्स भी कर सकते हैं। हम इसके यहाँ छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप निमोना बनाएंगे और उसमें एक आलू, एक या 2 रफली आलू काट के यूज करेंगे तो आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ग्रेवी का टेक्सचर भी थोड़ा चेंज लगता है। और बाकी तो मसाले हैं ही सारे सब्जी वाले, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है। ये मैंने आलू को कट कर लिया है। अब हम मटर को हल्का सा मैश कर लेंगे। मटर को बॉईल करके लिया है तो ये अच्छे से मैश हो जाएगी। हम पूरा इसको मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का इसको मैश कर लेंगे और कुछ दाने साबुत भी रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का मैश हो गई है, बस इसको इतना ही रखेंगे। तो आप बना लेते हैं सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे प्याज और लहसुन पिसा हुआ, अब मैंने इसमें मिला दिए हैं मसाले। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च ये सब मिला दिया है। अब हम डाल देंगे इसमें अदरक जो हमने ग्रेट करके रखी है। अब साथ में ही इन सबको भून लेंगे। टमाटर
पिसा हुआ डाला है तो इसमें मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो ये मसाले भी अच्छे से जलेंगे नहीं, अच्छे से भुन जाएंगे। तो इनको चलाते हुए भून लेंगे। अब टमाटर मसाले सब अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे आलू और मटर। अब डाल देंगे मटर इसमें। इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब ग्रेवी के लिए डाल देंगे इसमें पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको ग्रेवी जिस हिसाब से बनानी हो। अभी ये 5 मिनट पकेगी सब्जी, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी जलेगा और कुछ ग्रेवी के लिए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मटर का निमोना बन रहा है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैंने डाल दिया इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको हम ढक के पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। सब्जी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है, सब्जी बन चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर मटर के निमोना का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।